साल आते रहता है, लेकिन सबसे बड़ी तो दिक्कत है कि हमारी जागतिक मंदी है। उसके साथ साथ तो बहुत बड़ी एक जैसी दुर्घटना जैसी हुई जो चीज़ है, जो हमारे प्याज जो है, इसके दाम इतने बढ़ चुके हैं कि सातों आसमान तक वो छूने की तक गए हुए, और हमारे पास प्याज नहीं है, जो हमारे इंडिया के अंदर हर किसी को इसका झटका लगा हुआ है। ये जो मेरा मैसेज ये पहुंचाना है मेरे बर्थडे से, कि हमारे प्याज के दर कम होने चाहिए, और हमारे जितने भी इंडिया वासी है, जो देशवासी हमारे हैं, ये लोग अपने इस अनाज की जो दाम है उसके अंदर ये प्याज का है वो कम हो के वो अच्छी खासी जिंदगी जिए। आगे आते हैं कोई ना कोई इशू, मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड महंगाई होती है, बड्डे होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो उससे कुछ गवर्नमेंट को फर्क पड़ती है बॉम्बे की जो जनता को? शायद मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे बहुत सारे नेतागण करते हैं, बहुत सारे संस्थाएं एनजीओज वगैरह जो है वो करते हैं, उससे फर्क नहीं भी हुआ तो भी 50% तो फर्क होता ही है। और इस तरह से आंदोलन हमारी कोई आक्रामक भूमिका नहीं है, जो हमारी एक सिस्टमेटिक जो हमारे संविधान से है, हमारी कायदा और सुव्यवस्था से जो चलती है, इसी तरह से हमारी आने वाली पीढ़ी जो है इस तरह से आक्रामक भूमिका लेनी चाहिए, इस तरह से आंदोलन को मोड़ देना चाहिए, ये एक मेरा संदेश है। आज भारताला सर्वात मोठं जे संकट आहे त्यामध्ये एक आर्थिक मंदीचं संकट आहे, आणि त्याच्यामध्ये आपल्या अन्नधान्यांच्या बाबतीत खूप असे आपल्याला आज गेली अनेक वर्ष हे भोगावं लागतंय, आणि त्याच्यातल्या त्याच्यात आपल्यासाठी जो घरामधला कांदा जो आहे हा गगनाला त्याचे भाव वाढलेले आहेत, ते प्रति किलो काही 200 रुपयापर्यंत गेलेले आहेत, आणि त्याची सर्वात मोठी झळ ही भारतवासियांना पोचलेली आहे। म्हणजे आता अन्नापासून मुकावं का हा असा प्रश्नचिन्ह होतो आहे, आणि जेणेकरून आम्ही एक युनिक एक वेगळ्या पद्धतीने हा मेसेज पोहोचवतो आहे की आमच्या ज्या सेंट्रल गव्हर्नमेंटला, की तुम्हाला जे हे काही भाव जे कमी करायचे आहेत आज कांद्यापासून सर्व अन्नधान्यांचे, हे त्या पद्धतीचं एक माझं मेसेज पोहोचवण्याचं एक माझं माध्यम आहे। हा मेसेज असा अशा पद्धतीने आहे की पूर्वी आणि आत्ता पण ही पॅटर्न आहे की मोर्चे, आंदोलन, दगडफेक, जाळपोळ आणि या अशा पद्धतीने जे काही करतात त्याने आपलं भारताचं नव्हे आपल्या स्वतःच्या संपत्तीचं नुकसान आहे, आणि हे नुकसान जर तुम्हाला थांबवायचं आहे तर आपल्याकडे भरपूर अशा गोष्टी आहेत की ज्याचा विरोध आम्ही आमच्या पद्धतीने करू शकतो, वाढदिवस, लग्न, म्हणजे अरे जे पण आपापल्या पद्धतीने करतात, पण भारतामध्ये तो मेसेज पोहोचत नाही आहे, त्यांना जर मेसेज पोहोचवायचा घराघरामध्ये या पद्धतीचा विरोध या आमच्या येणाऱ्या तरुण पिढीने करावा, जेणेकरून आमची संपत्ती पण संपन्न राहील आणि आम्हाला एक मेसेज पण पोहोचवता येईल, आणि जेणेकरून त्यांना थोडीशी लाज तरी वाटेल। दर्शकांना मी या पद्धतीने शुभेच्छा देण्यास म्हणजे त्यांना सांगू प्रयत्न करतोय की मी ज्या पद्धतीने हे अशा एक वेगवेगळ्या आगळ्यावेगळ्या पद्धतीने मी जे आंदोलन करतोय त्या पद्धतीने करावं, बस माझी हीच इच्छा। सारा भारतवर्ष नवीन लादे जी को जानता है कि अलग तरह का आंदोलन हमेशा वो लेते हैं। आज इन्होंने अपना जन्मदिन से ऐसा संदेश भारतवासियों को दिया है कि ये जो कांदे हैं एक गरीब लोगों की चीज़ है, गरीबों से स्टार्ट होती है अमीर तक जाती है, लेकिन आज ऐसा हो गया है कि वो अमीरों तक की रह गई है, गरीब को तो कांदा सूंघना भी नसीब नहीं है। आज गरीब गृहिणी कांदा काटती है तो पहला रोती है फिर कांदा काटती है, कांदा रुला रहा है। नवीन जी के माध्यम से ये मैसेज जा रहा है कि आज अच्छे अच्छे प्रसंगों में मिठाइयों की जगह कांदे रख रहे वो भी हमें महंगे पड़ रहे हैं, तो सरकार की आँख खुले इस चीज़ पर और इस चीज़ के भाव को कंट्रोल लाए, बस यही मैसेज हमने इन साहब के बर्थडे से देना चाहा है। जे म्हणजे
त्यांनी केलं इथे वाढदिवस असं साजरा. हे ह्याच्या हेच उद्देश आहे की जे पण भाव वाढलाय ते कमी करा, कारण की गरीब लोकांना खरं काहीच खायला भेटत नाही ह्याच्या बाबतीत. ते लोक हे घेण्यासाठी खूप काही काही विचार करतात की घेऊ की नाही घेऊ. फक्त हे आता जे अमीर लोक आहेत ते लोकच घेऊ शकतात आहे, तर त्याच बाबतीत हे उद्देश आहे की म्हणजे जे पण आहे महाग म्हणजे जे जास्त महाग केलं आहे तुम्ही ते सगळं कमी करा, म्हणजे सगळ्यांना खायला भेटेल, सगळे उपाशी तर राहणार नाही. पहिल्याच्या प्रमाणे भरपूर कमी झालाय कांद्याचा वापर. म्हणजे आता आम्ही स्वतः आमचंच घरी बघतोय की पहिला करायचो कांदा, आता भरपूर 50% to 60% खूप कमी केलं वापर आता कांद्याचा. आम्हीच नाही बाकी सगळ्यांनीच, कारण की ह्याचं बोलतो ना भाव खूप जास्तच वाढलाय त्यामुळे कमी केलं भरपूर लोकांनी. घराघरात सगळे भरपूर सगळ्या घराघरात कांद्याचं वापरणं होतच होतं. आमच्या हर एक भाजी म्हणजे हर एक ह्याच्यामध्ये कांद्याचं आहे. ह्याच्यानेच आम्ही पुढे वाढलो गेलो आहे, त्यामुळे आता असं झालं आहे की खाणं होतच नाही आहे. 50% to 60% खरं कमीच झालं आहे कांदा खाणं. त्यामुळे तेवढंच आहे की भाव कमी करा आणि सगळे ॲटलिस्ट सगळे खाऊ तरी शकाल त्यासाठी ते त्यामुळे. नहीं, नवीन लादे जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. हमारे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता रामदास अठावले साहब जो देश के मंत्री हैं उनके तरफ से मैं यहाँ पे आया हूँ, प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ. आज नवीन लादे जी का बर्थडे है इसलिए मैं उनको मिलने के लिए आया, उनको हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए आया. लेकिन यहाँ पे आने के बाद मैं देख रहा हूँ तो बहुत अच्छा उपक्रम जो आज देश में पूरी तरह से प्याज की बहुत ज़्यादा बढ़ हो रही है, देश का माहौल बिगड़ रहा है, आज गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा है. लेकिन नवीन लादे जी ने जो अच्छा एक यानी प्याज जो आज बांट रहे हो फ्री ऑफ चार्ज उनके बर्थडे के, वो बहुत अच्छा उपक्रम है, लोगों के लिए बहुत अच्छा काम है. उसके बाद उन्होंने जो हॉस्पिटल के बारे में भी जो मनमानी कारोबार हॉस्पिटल में चल रहा है मुंबई में उसके बारे में उन्होंने आवाज़ उठाया. उसके बाद खड्डे मुक्त मुंबई जो बहुत बड़ा काम मुंबई BMC में उन्होंने किया था, आज ज़्यादा से ज़्यादा जो खड्डे बुझाए गए वो नवीन लादे के वजह से बुझाए गए कि उन्होंने जो इशू किया वो इशू को बहुत बड़े तादाद में गया. अठावले साहब को भी इसका चिंता थी, बहुत सारे फ़ोन हमें आए अठावले साहब को आए कि नवीन लादे कौन है. यहाँ के मेयर को लगा, यहाँ के कमिश्नर को लगा, प्रवीण परदेशी साहब ने मुझे पूछा नवीन लादे कौन है, बोला नवीन लादे एक अच्छा कार्यकर्ता, वो जो कर रहे वो सच कर रहे और हमारी पार्टी उनके साथ है, उनका बहुत अच्छा काम चालू है. उन्होंने गरीबों के लिए काम किया है, वो आज भी गरीबों के लिए काम कर रहे हैं. इसलिए रिपब्लिकन माताड़ी यूनियन के वो महाराष्ट्र के संगठक है, कामगारों के लिए वो काम कर रहे हैं, इस महाराष्ट्र के लिए काम करे, देश के लिए काम करे. ऐसे लोग बहुत कम होते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमारा अपना खुद का पार्टी का नाम लेके पैसा कमाते हैं, अलग अलग काम करते, लेकिन नवीन लादे जी ने जो भी काम किए समाज के लिए काम करा किया है, समाज के हित के लिए काम किया है, गरीबों के लिए काम किया है. इसलिए नवीन लादे जी को मैं इस वार्धिवस यानी जो इनका जन्मदिन है उसके मैं शुभेच्छा देता हूँ, मेरे पार्टी की तरफ से, मेरे कुटुंब की तरफ से, मेरे रिपब्लिकन बहुजन विद्यार्थी परिषद रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ. अभी उन्होंने जो काम किया उसके लिए हमारी पार्टी की तरफ से भी ये काम किया जाएगा. उन्होंने आज ये काम शुरू किया उनके जन्मदिन की तरफ से, तो पूरे जिला में तालुका में जो जो हमारे महाराष्ट्र में जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनको सबको मैं कहूँगा आज के दिन कि नवीन लादे ने जो उपक्रम शुरू किया है हर एक तालुका अध्यक्ष जिला इसी तरह से अपने जन्मदिन के सर कांदा देना चाहिए, प्याज देना चाहिए, किसी को बुक्स देना चाहिए, उससे कि लोगों को उसका फायदा हो सकेगा और महाराष्ट्र में देश में एक अच्छा मैसेज जाए. कांबळे सर जो चंद्रशेखर कांबळे जो हमारे माथाड़ी के प्रेसिडेंट है वो आज मेरे शुभकामना देने के लिए आज जो आए तो मैं उनके आभार प्रकट करता हूँ. धन्यवाद.